सामिया बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। जी मम्मी। मेरी बात सुनो, ये रोग रोना धोना सोग अब बस कर दो। मैं अपने घर में मजीद सोग बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आ गई है? लुबना को फोन करो, उसे कहो बस कल तक यहां पहुंचे। भाई आखिर तुम लुबना की बड़ी बहन हो और साथ साथ उसकी बड़ी भाभी भी हो, और पिछली दफा की तरह मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मैं लुबना के हाथों से खीर बनवाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अब भी जो चले गए हैं तो अब अच्छा कहां लगेगा। बीबी तुमसे कुछ बात कर रही हूं, सुन रही हो या नहीं, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रही हो? जी मम्मी मैं सुन रही हूँ। जी 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 जी, क्या कर रही हो? जाओ किचन में, जो काम बिखरा हुआ है उसको समेटो। तबस्सुम, तबस्सुम, क्या हुआ? अरे आपको तो शाम को आना था, मैं अभी से आ गई। अरे बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हें बताने चला आया। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। अम्मा ने मुझे 30 लाख रुपए दिए कारोबार करने के लिए। 30 लाख? हाँ। अम्मा के पास कहाँ से आए इतने पैसे? तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिनती हो? भाई क्यों ना गिनू, हमारे अब्बी ने सारी जिंदगी हमें हक हलाल के निवाले खिलाए। तो मेरी अम्मा कौन से डकैत हैं? अरे भाई होगा उनके पास कोई पुराने वक्तों का सोना जो उन्होंने अभी बेच डाला होगा। आपकी अम्मा के पास ना पुराने वक्तों के सिर्फ ताने जमाए जो वक्त आने पर बारी बारी मुझे देती हैं। इतने अच्छे मूड से मैं तुम्हारे पास यहाँ आया था, सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। जनाब नहीं पूछते कुछ, शुक्र है अल्लाह के बाद आपकी अम्मा ने सुन ली हमारी। कसम से मुझे बड़ी फिक्र थी, अल्लाह ने बड़ा करम किया और ये रकम मिल गई मुझको। अल्लाह बहुत रहीम है, शुक्र है उसने हम पर करम कर दिया। अच्छा आप अम्मी के पास जाएं, अम्मी ने कोई मशवरा करना है आपसे। सुनो अब तुम लखपति आदमी की बीवी हो? हाँ जी हाँ। जाइए लखपति। लुबना क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आप भी बहुत थकन हो रही है और उठा भी नहीं जा रहा है। थकन तो होगी ना, सारा दिन अभी के बारे में सोचती रहती हो। लुबना अपना ख्याल रखो, इतना परेशान होगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारे अकबर भाई बाहर आकर बैठे, मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा हूँ। चलो उठो, शाबाश। अकबर भाई आए, मैं जाके मिलती हूँ। अरे आराम से उठो, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था? नहीं, एक दो दिन से जब भी सुबह मैं उठ रही हूँ तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन आज ज्यादा हो रहा है। आप ही आप मेरे लिए यहाँ नाश्ता ले आएंगी? बहुत भूख लगी है मुझे। तुम आराम करो, उठना नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, ठीक है?